हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वैक्सीन पहुंचाने के लिए तेलंगाना में ड्रोन का इस्तेमाल। मुल्क में पहली मरतबा तेलंगाना के वखाराबाद जिले में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम के तहत फिजा से कोरोना के टीके और दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस तजुर्बाती प्रोग्राम का वखाराबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी जीवित्रा आदित्य सिंधिया और रियासती वजीर IT व इंडस्ट्रीज KTR रामाराव ने इफ्तिताह किया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम के जरिए में हंगामी हालात में अद्वियात और टीके दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिससे वक्त की काफ़ी बचत होगी और ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होगा। यह ड्रोन 500 से 700 मीटर ऊंचाई से फिजा में सफर करते हुए मुतल्लिका मरकज तक अद्वियात और टीकों को पहुँचाएगा। जंगलाती वसाइल के तहफ्फुज़ के लिए जान निछावर करने वालों को तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का खिराज। तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि महकमे जंगलात के अहदेदारों और अहलकार जंगल के वसाइल की हिफाजत के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, जो मुआशरा और फितरत के लिए फ़ायदेमंद है। जंगलात के वसाइल के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले अफराद को याद करते हुए उन्होंने शहर हैदराबाद के जू पार्क में तामीर करदा यादगार पर फूल निछावर किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में महकमे जंगलात के 21 अहदेदार और अहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। नकली करेंसी नोट फैलाने वाली करीमनगर की गैंग हैदराबाद में गिरफ्तार। हैदराबाद में करीमनगर के गैंग को नकली करेंसी नोट फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि करीमनगर के कारखाना गिड्डा से ताल्लुक रखने वाला 35 साल मोहम्मद अजीज आजम, पेद्दापल्ली करिंगमपल्ली का 38 साल मोहम्मद अनवर पाशा और करीमनगर कोर्ट चौराहे की 44 साल भाग्य लक्ष्मी को हैदराबाद की केसरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस में मजीद दो मुलजमीन फरार हैं। उटकुर में गणेश विसर्जन के इंतजाम का जायजा लेने DSP का दौरा। उटकुर मंडल मुस्तखिर में गणेश विसर्जन के पेश नज़र उटकुर का जायजा लेने के लिए आज नारायणपेट जिले DSP मधुसूदन राव ने उटकुर मुस्तखिर के मुख्तलिफ मुकाम के गणेश मंडपों का दौरा किया। बिलखसूस जामा मस्जिद पंच के अहाते पर थोड़ी देर ठहरकर मुआयना और मुशाहदा किया। वाजह है कि मुस्तखिर में 4 साल कबल अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले चंद शरपसंद अनासिर ने फिरका वाराना फसाद बरपा किया हुआ था, जिसकी वजह से हर साल हुकूमत तेलंगाना की जानब से महकमे पुलिस का काफ़ी भारी बंदोबस्त किया जाता है। गणेश विसर्जन का जुलूस निकालने से 8 दिन पहले ही महकमे पुलिस की जानब से मुस्तखिर के पर बिलखसूस शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाती है। वाज़ह है कि उटगुर तेलंगाना रियासत में एक हसास मुकाम माना जाता है, क्योंकि यहां हर साल त्योहारों में मुहर्रम हो या गणेश विसर्जन, इसमें फिरका वाराना फसाद अक्सरियती तबका अखिलियती तबके के नौजवानों पर हमलावर होता है, जिसकी बुनियाद पर सारे गाँव में फसाद होता है, जिसकी वजह से आवाम डर और खौफ के मारे घरों में ही रहते हैं। WWE प्लेयर ग्रेट खली का 18 सितंबर को आदिलाबाद का दौरा। WWE प्लेयर ग्रेट खली जारिया माह की 18 तारीख को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए आदित्य कंधेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य की दावत पर गणेश त्यौहार के मौके पर विसर्जन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में ग्रेट खली ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उनके दौरे आदिलाबाद से वाकिफ करवाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में हथियारों से भरा बैग मिलने पर मची हलचल। झांसी में तेलंगाना एक्सप्रेस में हथियारों से भरा बैग मिलने के बाद हलचल मच गई। RPF को जनरल कोच में 2 बोगियों में 5 बंदूकें और 23 कारतूस मिले हैं। मीडिया के मालूमात के मुताबिक इसमें 2 अफराद के लाइसेंस भी थे। GRP ने मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों से मौसूला मालूमात के मुताबिक तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में एक गैर दावाशुदा बैग की इत्तला मिली, जिसके बाद बैग को चेक किया गया और इसमें 5 SBBL बंदूकें और 23 कारतूस 5 SBBL बंदूकें और 23 कारतूस बरामद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सिक्योरिटी कंपनी के कार्ड, 2 असलाह लाइसेंस और मोबाइल मिले हैं, जिनके नाम मोहम्मद रफीक और वाजिद हैं। आइए आपको बताते हैं कि बगैर दावे के बैग को प्लेटफॉर्म से दूर रखा गया। तेलंगाना एक्सप्रेस जम्मू की तरफ जा रही थी। बताया जाता है कि यह वाकया कल रात तकरीबन 1:30 बजे पेश आया। GRP के SP मोहम्मद इमरान ने नामा निगारों से गुफ्तगू के दौरान बताया कि RPF की तरफ से GRP को मालूम दी गई थी। GRP ने मोहम्मद रफीक, वाजिद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल मजीद तफ्तीश की जा रही है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम खानदान को पुलिस की हिरासानी वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के मैदापुर से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम खानदान ने शिकायत की है कि पुलिस इन्हें हिरासा कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें कहा गया कि अगर इनके साथ इंसाफ ना किया गया तो वो अरकान खानदान के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर लेंगे। अकबर बादशाह नामी शख्स ने अपने अहलिया और बच्चों के साथ एक वीडियो तैयार करते हुए इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अकबर बादशाह ने रोते हुए रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मायादाकुर की तरफ से हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। उसने कहा कि डोर मंडल में 1.5 एकड़ जमीन पर YSR कांग्रेस के लीडर ने कब्जा किया है और पुलिस इंस्पेक्टर इस केस में इन्हें हिरासा कर रहे हैं। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर इल्तिजा की है कि चीफ मिनिस्टर जगनमोहन इनके साथ इंसाफ करें।
हिंदुस्तान ने तालिबान हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, खवातीन के हालत पर है फिक्रमंद। अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए हुकूमत तश्कील दिए जाने के ऐलान के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने खुलकर अपनी राय जाहिर करते हुए इस हुकूमत को मानने से साफ लफ्जों में इनकार कर दिया है। हफ्ते के रोज हिंदुस्तान के मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की नई हुकूमत को एक इंतजाम यानी डिस्पेंशन से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं और रास में भी सभी तबकात को शामिल न होने से फिक्रमंद है। ऐसे जयशंकर ने अफगानिस्तान में खवातीन और अखिलती तबके के हालात पर भी अफसोस जाहिर किया और कहा कि जो कुछ हो रहा है वो मुनासिब नहीं। कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन पर पीएम की मीटिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में ऑक्सीजन की फराहमी में तेजी से इजाफा करने की हिदायत की। उन्होंने रियासतों से दवाओं का बफर स्टॉक रखने को भी कहा। तीसरी लहर में बच्चों पर असरात के इम्कान के पेश नजर मोदी ने मुल्क भर के अस्पतालों में बच्चों के लिए काफी बिस्तर तैयार रखने की हिदायत दी है। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो सेहत की बुनियादी ढांचे को नए सिरे से डिजाइन करें। उत्तराखंड में जलजले के दरमियानी शिद्दत के झटके। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हफ्ते की सुबह जलजले के दरमियानी शिद्दत के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज चमोली में था, ताहम अभी तक जलजले की वजह से किसी जाने नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पीएम मोदी ने कहा 9/11 ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज 11 सितंबर है यानी 9/11 है। दुनिया की तारीख में एक तारीख है जो इंसानियत पर हमले के लिए मशहूर है, लेकिन इस तारीख ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सरदार धाम भवन का इफ्तिताह किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम फेस टू गर्ल्स स्कूल का भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 9/11 की तारीख ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 को था जब मजहब की आलमी पार्लियामेंट शिकागो में मुनक्किद हुई थी। कांग्रेस का प्रतिज्ञा यात्रा 20 सितंबर से होगा शुरू। 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाएगा, इस तरह पार्टी हुकूमत को घेरेगी। कांग्रेस अब आवाम को यात्रा के जरिए जोड़ेगी। ये यात्रा जिसे कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे का नाम से निकाला जाएगा 20 सितंबर से निकाली जाएगी। रियासत के 40 से 44 हज़ार से गुजरने वाला ये सफ़र 12,000 किलोमीटर का होगा। ये फैसला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में हिकमत अमली और मुशावरती कमेटी की मीटिंग में लिया गया। जुमा को इलेक्शन राबता कमेटी के इजलास में 40 नामों की पहली फहरिस्त पर इत्तेफाक किया गया। इलेक्शन कमेटी का अगला इजलास 5 अक्टूबर को होगा। सफाई मुलाजिमीन का हड़ताल छठवें रोज भी है जारी। कोरोना से भी खतरनाक अमराज फैलने का है खदशा। मुसलसल छठवें रोज भी राजधानी पटना में चारों तरफ गलाजत का अंबार लग रहा है और गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक और अब मेन रोड और हाईवे तक कूड़े कचरे से भर गए हैं। हफ्ते के रोज तक सिर्फ राजधानी पटना में 4,000 टन से ज्यादा कचरा जमा हो गया, लेकिन इसे उठाने का कोई इंतजाम पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या महकमे शहरी तरक्यात के पास नहीं है और इन दोनों इदारों या इसके सरबराहान की जानिब से किसी तरह की संजीदगी या मुस्बत फिक्र अमल का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। कॉरपोरेशन और महकमे ने पुरअसरार खामोश अख्तियार कर है और हड़ताल पर जा चुके सफाई मुलाजिमों से बातचीत करने या उनकी मुतालिबात पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिससे मसला मजीद संगीन और पेचीदा होता जा रहा है और सूरत हाल यह है कि पूरे पटना शहर में चारों तरफ गलियों महलों और सड़कों पर गिलाजत का अंबार इस कदर लग गया है कि बदबू फैल गई है और इसकी वजह से सड़क से लोगों का गुजरना दुश्वार हो गया है। माहिरीन का मानना है कि मजीद एक दो दिन अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो शहर में गंदगी और इसकी बदबू से कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक अमराज फैल जाएंगे और फिर इन अमराज से पूरे शहर में बड़ी तादाद में लोग मुतासर होंगे। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने दिया इस्तीफा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आचार्य देवव्रत को पेश किया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें रियासत का वजीर आला बनने का मौका दिया। इनके इस्तीफा देने पर तरह तरह की चिमोगोयां हो रही थी। मिस्टर रूपानी ने कहा कि वो खुशकिस्मत है कि 5 साल तक रियासत के वजीर आला रहे। मिस्टर रूपानी ने कहा कि वो बीजेपी लीडरशिप की क़यादत में काम करेंगे। पिछले कई दिनों से बीजेपी के असेंबली मेंबरों के दरमियान कई मीटिंगें हुई जिसके ये फैसला लिया गया। मिस्टर रूपानी ने कहा कि क़यादत जो भी काम करने के लिए सौंपेगी वो काम करने के लिए तैयार हूँ। फोर्ड समेत बंद हो सकती है ये 4,000 कंपनियां, सैकड़ों मुलाजिमीन की नौकरी है खतरे में। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत के साथ अपना कारोबार खत्म करने का फैसला किया है, जिसके बाद कंपनी के हजारों मुलाजिमीन और इससे वाबस्ता डीलर्स को रोजगार के बहरान का सामना है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के इदादो शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में फोर्ड के 170 के करीब डीलर पार्टनर हैं जो मुल्क भर में 400 शोरूम चलाते हैं और हजारों कारकुनों को मुलाजिमत देते हैं। इनमें बहुत से ऐसे डीलर शामिल हैं जो सिर्फ चंद महीने पहले ही फोर्ड कंपनी से वाबस्ता थे। उन्होंने शोरूम बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन कंपनी अब अपने बैग और बेल्ट ले रही है। फोर्ड के इस ऐलान के बाद कई डीलर्स ने अपने मुलाजिमों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हजारों मुलाजिमतों पर तलवार लटक रही है।
निपा वायरस क्या है? निपा वायरस एक जोनोटिक वायरस है, जिसका मतलब है कि यह पहले जानवरों में पैदा हुआ और फिर इंसानों में मुंतकिल हुआ है, जिनमें यह साइंस का शदीद इन्फेक्शन और इंसेफेलाइटिस या दिमागी बुखार यानी ब्रेन फीवर का सबब बनता है। वायरस का नाम ऐसी चीज़ है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की मुख्तलिफ हालतों के लिए यूनानी हरूफ के नामों के साथ तब्दील करने की कोशिश की है। ये मलेशिया का वो गाँव है जहाँ 1998 से 1999 में उस वक्त की नामालूम बीमारी के लिए पहला केस पाया गया था। सिंगापुर में भी निपा वायरस के पहले पाए जाने वाले केसेस से मुतासर होने की वजह से ये मरीज की शनाख्त की गई है। कोरोना इन्फेक्शन के 33,000 से ज्यादा नए मामले। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 33,376 अफराद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई है, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की तादाद 3,32,08,330 हो गई है। इस दौरान 32,198 मरीजों की सेहतयाबी के बाद कोरोना से पाक लोगों की तादाद 3,23,74,497 हो गई है। एक्टिव मामले 870 तक बढ़कर 3,91,516 हो गए हैं। इस अरसे में 308 मरीजों की मौत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 4,42,317 हो गई है। भारतीय फौज की पाकिस्तानी खातून एजेंट को दी गई खुफिया दस्तावेज, पोस्टल सर्विस ऑफिसर गिरफ्तार। भारतीय फौज की खुफिया दस्तावेजात पाकिस्तान को देने का मामला सामने आया है। 27 साल रेलवे पोस्टल सर्विस ऑफिसर को जुमे के रोज भारतीय फौज को खुफिया दस्तावेजात फराहम करने पर गिरफ्तार किया गया। इस अवसर पर इल्जाम है कि इसने एक पाकिस्तानी खातून एजेंट को दस्तावेजात फराहम की हैं। दिल्ली में भारी बारिश, एयरपोर्ट में भरा पानी। दिल्ली में आज भारी बारिश हुई जिसके वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। दरियासना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पानी से घिरा हुआ नजर आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में रात के वक्त मतला आबर आलूद रहेगा और गरज और चमक के साथ शदीद से शदीद तरीन बारिश हो सकती है। मथुरा और वृंदावन मुकद्दस मुकामात करार दिए गए, गोश्त और शराब पर पाबंदी। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने मथुरा और वृंदावन को मुकद्दस मुकाम करार देते हुए गोश्त और शराब की तिजारत पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। रियासती हुकूमत ने मथुरा वृंदावन इलाके के 10 किलोमीटर में शराब और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। योगी हुकूमत ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के इलाके को मुकद्दस मुकाम करार देते हुए इसके 10 किलोमीटर के दायरे में गोश्त और शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम भवन का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को अहमदाबाद में सरदार भवन का इफ्तिताह किया। ये तकरीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसके साथ वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे के दूसरे मरहले का भूमि पूजन भी अंजाम दिया। दूसरे मरहले में यहाँ एक हॉस्टल बनाया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास किसी भी अच्छे काम से पहले गणेश की पूजा की रिवायत है। खुशकिस्मती से सरदार धाम भवन की गणेश पूजा त्यौहार के मुबारक मौके पर की जा रही है। कल गणेश चतुर्थी है, आज पूरा मुल्क गणेश उत्सव मना रहा है। मैं आप सबको दोनों त्यौहारों की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने मुतासर कुन आयरन में सरदार साहब के कदमों पर भी झुकता हूँ और इन्हें खिराज पेश करता हूं। सरदार धाम के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद जिन्होंने खिदमत के इस शानदार मंसूबे को अपनी लगन से तश्कील दिया। यूपी असेंबली में भी नमाज के लिए अलग कमरे का मुतालबा, रुकन असेंबली इरफान सोलंकी ने उठाई आवाज़। झारखंड असेंबली में नमाज के लिए अलग से कमरा अलॉट किए जाने के बाद काफ़ी हंगामा बरपा हुआ था और बीजेपी लीडर ने झारखंड असेंबली इहाते में एक मंदिर बनाने का मुतालबा भी कर दिया था और अब उत्तर प्रदेश असेंबली में नमाज के लिए अलग कमरे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली इरफान सोलंकी ने नमाज अदा करने के लिए उत्तर प्रदेश असेंबली हाउस में खसूसी जगह मुतयन करने का मुतालबा किया है। सोलंकी ने पीर के रोज इस सिलसिले में यूपी असेंबली स्पीकर हरदय नारायण दीक्षित को एक खत लिखा है और कहा कि इबादत के लिए कमरा अलॉट किया जाए। कोरोना से तबाह हाल केरला में 30 सितंबर तक 100% टीकाकारी का हदफ। केरला में कोरोना के नए केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से रियासत में 20,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं और कई दिन तो 30,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इन मुश्किल हालात को देखते हुए रियासत की पिनाराई विजन हुकूमत ने 100% टीकाकारी का फैसला किया है ताकि इस आलमी वबा पर काबू पाया जा सके। 100% टीकाकारी के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों को चीफ मिनिस्टर गुजरात ने दी सख्त वार्निंग। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने एक बार फिर गौकशी और लव जिहाद पर संजीदा रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर फंसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जुमे को अहमदाबाद के विष्णु देवी सर्कल में रायका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की इमारत का संगे बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर रूपानी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने रियासत में सख्त कानून साजी की है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मोहब्बत के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों को सख्त सजा देने के लिए कानून लाया गया है। डेनमार्क कोरोना से पाक और पाबंदियों से आज़ाद। डेनमार्क वाहिद यूरोपीय मुल्क बन गया है जहां कोरोना वायरस के हवाले से लगाई गई कोई भी पाबंदी अब नाफिजुलअमल नहीं है। डेनमार्क में नाइट क्लब्स में दाखिले के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत थी। अब मुल्क में एहतियात के साथ जिंदगी मामूल पर लाने की कोशिश के तहत अब यह शर्त भी खत्म कर दी गई है। मुल्क में वैक्सीन लगाने की शरह में इजाफा हो रहा है और कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। मुल्क के 70% से ज्यादा आबादी तक वैक्सीन पहुंच चुकी है। तहम आलमी इदारे सेहत ने मुतनब्बा किया है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने से वबा खत्म नहीं होगी और वायरस सालों तक रह सकता है। डेनमार्क के एक रिहायशी का कहना था
के वबा से बचाव के लिए की जाने वाली सख्ती के बाद आप आखिरी पाबंदी के हटने से इन्हें आज़ादी महसूस हो रही है। रूस के शहर येलिट्स के करीब गैस धमाके से एक खातून की मौत, 6 जख्मी। रूस के शहर येलिट्स के करीब 2 मंजिला रिहायशी मकान में गैस धमाके से एक खातून हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी इमरजेंसी सर्विस के अहदेदारों ने हफ्ते को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि जुमे को पेश आने वाले इस वाक़े में घर का एक हिस्सा तबाह हो गया। धमाके में एक खातून जाँ बहक जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया जबकि 3 अफराद अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है। इससे पहले बुध के रोज़ मास्को के इलाके नोगसिंग शहर में इसी तरह के एक वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए थे। गैस सिलेंडर के धमाके में 8 अफराद हलाक। चाइना में लिविंग सूबे के डालियन शहर में हफ्ते की सुबह एक रिहायशी इमारत में लिक्विड गैस सिलेंडर के रिसाव से हुए धमाके में 8 अफराद हलाक और 5 दिगर जख्मी हो गए। मुकामी हुकाम ने बताया कि फायर ब्रिगेड और मुकामी पुलिस फौरन मुकाम पर पहुंच गई। आग पर कई घंटों की कोशिश के बाद काबू पाया गया। इस वाक़े में अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका में सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असरात के सबब अमेरिका में तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वाले लोग पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैनुल अक्वामी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से अहम फैसला करते हुए तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया है। अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्टर्स मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हैं। तालिबान को आया अमेरिका पर तरस, 9/11 की सालगिरह की वजह से किया बड़ा ऐलान। पंजशीर पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान की पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत हो गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क्याम के ऐलान के साथ ही अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने का मंसूबा बनाया था। इसने 9/11 दहशतगर्द हमलों की बरसी के दिन नई हुकूमत की तकरीब हलफबरदारी की तैयारी की थी, लेकिन अब तालिबान को अमेरिका पर तरस आ गया है। अब तालिबान ने अपना इरादा बदल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तालिबान ने 9/11 दहशतगर्द हमले की बरसी के पेश नज़र अफगान हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब को मनसूख कर दिया है। तालिबान अब दुनिया के सामने अपना इमेज तब्दील करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे दुनिया के सामने उसकी शबिया खराब हो। रूस के खबर रसाई एजेंसी तास के मुताबिक तालिबान ने इत्तेहादियों के दबाव के बाद अफगानिस्तान में अपनी बनने वाली उबूरी हुकूमत की तकरीब हलफबरदारी मनसूख कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।